पर्ची कट गई है, देखो ये है पर्ची। भैया बहुत स्टिफ चढ़ाई है। ये वो सीढ़ीनुमा पुल, ये है गरतांग गली। चलिए आगे चलते धीरे धीरे। बाप रे, तो ये यहाँ पर आकर ख़त्म हो रही है ऊपर की तरफ चढ़ाई करते हुए। तो यहाँ पर अभी हम मैगी बनाने जा रहे हैं। रास्ते में अभी हमें दो सियार मिले। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो मेरा नाम है आसिफ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सप्लोरर थिएटर। जी हाँ, सुबह के 7:30 या 8 बज चुके हैं और अभी सब लोग सो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं रेडी होकर थोड़ा सा बाहर जाके फुटेज लेता हूँ कि कैसा मौसम है बाहर। तो इनको फिर मैं बताता हूँ कि स्वेटर पहनना है या नहीं पहनना है, जैकेट पहनना है या नहीं पहनना है। तो कैसा लगा रात में? काफ़ी ठंड है, काफ़ी अच्छी नींद आई। जैसे शीशों पे देख सकते हो आप, आइस अभी भी थोड़ी थोड़ी देखो, काफी ओस है। हाँ। काफी ठंड है बाहर। बिल्कुल, अभी नहा के सिर्फ निकलेंगे हम लोग ट्रैकिंग के लिए, गरतांग वैली के लिए। 2.5 किलोमीटर का ट्रैक है आना जाना, तो 5 किलोमीटर है। वहाँ पे एक पुल भी है, बहुत एडवेंचरस लग रहा है सब कुछ। ऐसी कैसा होता है सब। तो एपिसोड 3 में आज इन्हें गरतांग वैली दिखाएंगे हम। सर उड़ जाएगी। चलिए तो नीचे चलते हैं। चाय, ये देखिए बाहर का नज़ारा, वाह। तो चलिए नीचे चलते हैं, जरा चाय वाय लेते। ये एक चाय पिलाओ जरा। एक वीडियो चल रही है। हाँ, चाय ऊपर भी मिल जाएगी, दे देंगे ऊपर भी। तो ऊपर भी 2 कप दे दो। ठीक, 1 कप मुझे दे दो यहाँ पहले। तो भाई ये है गरतांग वैली का रास्ता, तो जाते हैं और बात करते हैं कि कितने की टिकट है। कुछ आवश्यक सूचना ट्रैक के बारे में, अधिकतम 10 लोग तथा आपस में 1 मीटर की दूरी बनाकर चलेंगे। ओके, तो कुछ यहाँ पर गरतांग वैली ट्रैक के बारे में लिखा हुआ है। चार टिकट दो। आप किसके साथ आए हैं? वो है, आ रहे हैं अभी। वो आपके साथ? अच्छा, इनका हो जाएगा ना फिर। ठीक है ठीक है। तो भैया पर्ची कट गई है, देखो ये है पर्ची, गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी। तो 150 रुपये की 1 टिकट है। वहाँ पर कैमरा बंद करवा देता कि कैमरा बंद कर लो। तो अब आगे जा रहे हैं हम लोग। क्या नाम है इसका? गरतांग वैली। गरतांग वैली भाई, आराम से चलना, देख देख के साइड में। अलाउ नहीं है क्या? है नहीं, अभी नहीं है। संभाल के। हाँ, हम लोग 4 लोग हैं। ये खाई है, आगे जाके बहुत डेंजरस है। हाँ, नॉर्मल ट्रैकिंग है, पूरी खाई है। 5 किलोमीटर सारा जगह है गरतांग वैली। गिरगिट बड़ी। तो दोस्तों ये गरतांग वैली का रास्ता जो है अभी जा रहे हैं, नीचे पूरी खाई है भाई, बहुत ही डेंजरस रास्ता है। तो आराम आराम से चलना है, किसी चीज़ की जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, तो आई थिंक 2-2.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग है। देन उसके बाद वो सीढ़ी जो लकड़ी वाली जो खुली है, अभी हाल में ही शायद 1-2 महीने पहले ही ओपन हुई है, वो न्यूज़ में मैंने देखा था उसको। भाई चिपक लिए ग्रीटा ने, तो बहुत आराम से चलना है, किसी चीज़ की जल्दबाजी नहीं। भैया बहुत स्टिप चढ़ाई है गरतांग वैली की, अभी चढ़ ही रहे हैं। बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, बहुत अच्छी चढ़ाई है, और एथलीट्स को इन ट्रैक्स पे आके ट्रेनिंग करनी चाहिए, उनसे उनके जो हार्ट है
वो और एक्सपेंड होगा, ऑक्सीजन कैपेसिटी बढ़ती है। तो आप जैसे जैसे देख सकते हैं ये जो स्लोप ऊपर जा रहा है, इससे पैरों में स्ट्रेंथ बढ़ेगी, काफ मसल में स्ट्रेंथ आएगी, आपका जो हार्ट है वो बड़ा होगा, एक्सपेंड होगा। चलो तो ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर अभी थोड़ा सा उतर रहे हैं, उतार चढ़ाव है बस। हाँ आते हुए दिक्कत होगी, आराम आराम से। यहाँ से शुरू हो रहा है करतांग गली में लकड़ी की सीढ़ी पर जाने हेतु नियम। सीढ़ी में एक बार से जब लोग ज़्यादा आपस में एक मीटर की दूरी बनाकर रखें, चलेंगे सीढ़ी में जो ओहो। चलो ये वो सीढ़ी नुमा पुल। ये देखिए ये है करतांग गली। चलिए आगे चलते धीरे धीरे, बड़ा ही डेंजर है यार। बहुत ही नैरो है और बहुत ही कैसे बनाया होगा यार। सबसे बड़ी बात यह है आई थिंक ये पहले यहाँ से चाइना, आई थिंक चाइना का रास्ता हुआ करता था यहाँ पे, जहाँ तक मुझे जहाँ तक मैंने पढ़ा है। और मतलब कि और लोग यहाँ से सामान शायद लाने और ले जाने का साधन होता था यहाँ से। तो ये बंद कर दी गई थी कहीं, शायद कोई हादसा हुआ था, फिर से ये दोबारा खुली है। तो ये है वो लकड़ी का जो पुल है जो बिल्कुल पहाड़ों के काट के बनाया साइड में, लेकिन बनाया कैसा होगा सबसे बड़ी बात ये है। वेरी नाइस। ये देखिए नीचे खाई है पूरा, आराम से चलो बस। डेंजरस पुल है भैया, मतलब कुछ भी हो सकता है। और बनाया बड़ा खूबसूरत है, पता नहीं कैसे बनाया होगा, तक समझ में नहीं आ रहा है। ये गंगोत्री वाले रास्ते में पड़ता है, तो आप आ सकते हैं यहाँ पर। करतांग गली, करतांग गली बोलते हैं लकड़ी का जो पुल है, आपने न्यूज़ में भी इसके बारे में सुना होगा। तो आज हम यहाँ पर आए अपने एपिसोड 3 में लेकर करतांग गली को, बस ये कि आराम आराम से चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बस नीचे की तरफ चढ़ रही, लेकिन शायद जब ऊपर चढ़ेंगे तो तब दिक्कत ज़्यादा होगी। ज़्यादा बड़ा पुल नहीं है। तो ये यहाँ पर आकर ख़त्म हो रही है, आई थिंक 100 मीटर का पुल होगा ये। तो आगे भी ये जा रहा है, लेकिन मेन तो यहीं तक था और आगे ख़त्म है। आगे भी जा सकते हैं, लेकिन पता नहीं आगे कैसा रास्ता है। चलो है? अरे नहीं आगे कहाँ है जाओगे? बोल रहा था कौन जाएगा, रहे कह रहे जा सकते, 150 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। हैं कौन कह रहा है? अच्छा वो बोल रहा। अरे नहीं छोड़ो ना, आगे क्या करोगे जाके? चलो चलो आगे क्या करोगे जाके? आगे शायद बंद है। वैसे भी रास्ता ना देखो वहाँ का बना रखा है, यहाँ का पता नहीं ना कैसा रास्ता है। तो आगे जाके कुछ है आगे मजा हो ज़्यादा ठीक है। हाँ यही तो ये हमारा एंडिंग पॉइंट है, ये देखिए ऊपर
तो ये गरतांग गली यहाँ पर ख़त्म हो रही है। हाँ जी, कैसा फील कर रहे हैं यहाँ के? काफ़ी अमेजिंग व्यूज़ हैं यहाँ पे, एंड ये वैली जो है, वैली तो चलती रहेगी, वैली कभी ख़त्म नहीं होगी, बट हमारे लिए रास्ता यहाँ पे बंद है। हाँ, यहाँ पे वुडन बैरिकेड्स लगे हुए हैं, तो उसके आगे हम जा नहीं सकते हैं, बट बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आगे। लेकिन बहुत कैसे बनाया हुआ, सबसे बड़ी बात ये है, मतलब पूरा लकड़ी का, हाँ लकड़ी एंड नेल्स पे ये टिका हुआ है पूरा। हाँ, काफी अच्छा काम किया है इस पर। अगर नीचे देखोगे तो पता चल जाएगा आपको कि इसका क्या हाइट है और कहाँ पे बना हुआ है और क्या रिस्क होगा इसके ऊपर बना हुआ है। नीचे का क्या उल्टा, इसके नीचे क्या है, इसके नीचे क्या है? अरे यहाँ से छोड़ा ना, नीचे को पूरा उल्टा करो। नहीं, तो आई थिंक चाइना में कहाँ पर ऐसी एक वो है, लेकिन वो पूरा शीशे कांच का है, वो कांच की है, वो अलग है, वो तो क्रॉस करने के लिए, ये तो पहाड़ है। हाँ, तो रास्ता है नहीं, वो साइड साइड में है ना, चाइना में कहाँ पर है, चेन पकड़ के जाओ, इसकी लग रहा है। हाँ, और काफ़ी हाइट में, ये सबसे बड़ी बात है कि इतना हाइट में ऐसे एक ब्रिज बनाना क्वाइट डिफिकल्ट, सो वेरी डिफिकल्ट। ये तो है, पानी पिलाओ जरा। तो वापस चलते हैं आराम से। हाँ हाँ, बट यहाँ पे एक गार्ड गार्ड बिठाना चाहिए, 10 लोग जाओ 5 मिनट में हो गया वापस। भाई यहाँ पे पता करें, लोग सिगरेट के फेंक देंगे ना इधर, गड़ा रख जाएगी इसमें और मरेंगे लोग फिर। भाई तो भैया इंडियन गवर्नमेंट ऐसी है ना। चलो धीरे चलते। तो वैस तो वापस रफ्तार पलट रहे, ऊपर जा रहे, अब चलते हैं वापस। 100 मीटर का पुल हो गया है, ये जो करते हैं ना, ये मतलब क्यों करते हैं, तब आ रहा है गौरव, गौरव बधाई, लिख देते ना नाम वगैरह। हालांकि कुछ लोगों पे फाइन भी लगा था इस पर, कुछ चिप्स वगैरह फेंक रहे थे लोग। चलो भाई चलते हैं अब आगे की ओर। ऊपर की तरफ चढ़ाई करते हुए गरतांग वैली का जो ट्रैक है छोटा ही है, वो ख़त्म करके अब वापस जा रहे हैं। होने को 9:30 बजे शुरुआत करती हमने चढ़ाई की गरतांग वैली के लिए, और अभी 11:30 बज रहे हैं, यानी आप 2.5 घंटे में अप डाउन कर सकते हैं, और इसका 4 बजे लास्ट होता है जाने का, तो आप सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे के आसपास जा सकते हैं, और 150 रुपये पर पर्सन किराया है इसका, फेयर है, और साथ में आईडी जरूर लाइएगा। यहाँ पे बोल रहे हैं हम लोग, 4 लोग आ गए। आपका हो गया? ठीक है, जाओ 4 लोग। 26 चार लोग हैं। हाँ, पीछे एक और है ना, 2 सीटर। ठीक है, ठीक है, जाओ। ये आ रहे दो ये शाम को 4 बजे गए ना लास्ट, 4:30 ठीक है। तो फाइनली अब जा रहे हैं, तो अब यहाँ से हम निकलते हैं और फिर देखते हैं। दे लिया पर्ची, ये क्या है, ये
ये ना, हाँ यही तो बैग में, वही तो बोल रहा हूँ, एक बॉटल बॉटल है, एक यही निकालो ना, पहले यही निकालो, वो ये गोल्ड पड़ो क्या निकालो, उसमें ये बनस्पति बनाया था, ये निकालिए तो दुकान से। तो नदी किनारे एक स्पेस मिला है, तो यहाँ पर अभी हम मैगी बनाने जा रहे हैं, थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं क्योंकि अभी हम गरतांग दिल्ली से होकर आ रहे हैं, तो मैगी खाते हैं, तो मैगी बनाने जा रहा हूँ मैं अभी। चलिए मैगी बनाई जा रही है। तो भैया मैगी खा ली है, ठीक है अब निकलते हैं क्योंकि एक बज चुके हैं और हम चाह रहे कि आज शाम तक जहां तक हम कवर कर सकते हैं कर ले, तो नाइट से करेंगे वहां पर। सोचे कि ऋषिकेश निकल जाए, लेकिन मुश्किल है ऋषिकेश तक पहुंचना यहां से, तो अब निकलते हैं, मैगी तो खा लिया। चलो चले पृथ्वी सर, चलो चलते हैं यहां से, जितना भी हाँ अभी एक बज रहा है, तो हमें उम्मीद था कि हम ऋषिकेश पहुंच जाएंगे, बट आई थिंक डोंट, मुश्किल लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, लेकिन जहां तक हम लोग कवर कर सकते हैं शाम तक करेंगे बिल्कुल, बाकी देखते फिर 6 बजे तक, हाँ 6 बजे तक जहां पे रहने का, क्योंकि रास्ता बहुत ही स्टिफ है, टफ है, कर बहुत सारे है, गाँव भी हो तो हम थोड़ा मैनेज कर लेंगे, रह जाएंगे, बट उसमें मजा अलग होता है गाँव में रहने का। बिल्कुल बिल्कुल, हम देखते हैं आगे चलते। चलिए ठीक है। उत्तरकाशी ऋषिकेश से 155 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक शहर है जो उत्तरकाशी जिले का मुख्यालय है। ये शहर भागीरथी नदी के तट पर बसा हुआ है। उत्तरकाशी धार्मिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण शहर है। यहाँ भगवान विश्वनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। ये शहर प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। तो अभी अभी इंडियन फास्ट फूड पर खाना खाया उत्तरकाशी में। अब डिसाइड यहाँ से ये करना है कि ऋषिकेश जाना है या फिर यहीं आगे एक घंटा और जर्नी करके रुकना है, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा है और पहाड़ों पर गाड़ी चलाने का थोड़ा सा रिस्की तो होता है लाइट रात के समय, लेकिन पृथ्वी सर हमारे खींच देंगे गाड़ी को, तो देखते हैं आगे आगे डिसाइड करेंगे एक घंटे बाद कि यहाँ रुके या फिर ऋषिकेश सीधा हमारे रात के 11 या 12 बजे ऋषिकेश पहुँचेंगे हम लोग, तो डिसाइड हम रास्ते में करेंगे। तो शाम को खाना खाया हमने और निकले कि क्या करेंगे रास्ते में, लेकिन हुआ क्या कि फिर प्लान बना कि चलो ऋषिकेश ही चलते हैं। तो ऋषिकेश यहाँ से अभी 65 किलोमीटर दूर है, लेकिन हमने एक गलत रास्ता अभी पकड़ लिया था, टिहरी की तरफ हम लोग जा रहे थे बद्रीनाथ केदारनाथ साइड, तो हम 10 किलोमीटर दूसरे रास्ते पर चले गए थे, अब 10 किलोमीटर वापस जा रहे हैं दूसरे रास्ते में, और रात की ये जो जर्नी है ये एक अलग ही है। और सच बताऊँ रास्ते में अभी हमें 2 सियार मिले थे रास्ते में, हम सोचते कि लेपर्ड मिलेगा, लेकिन 2 सियार हमें मिले, वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि वो भाग गया वहाँ से जल्दी से। तो ऋषिकेश जाते हैं तपोवन, वहाँ पे देखते कोई रूम, आई थिंक 11:30 के आसपास हम लोग पहुँचेंगे, तो वहाँ जाके देखते हैं कि कोई रूम मिल जाए तो बेटर है, तो हम थोड़ा सा नाइट स्टे कर लेंगे, थोड़ा सा थकान भी है, खाना ऑलरेडी हमने इतना खा लिया है, गले तक खा लिया है शाम को, तो खाना तो नहीं खाएंगे रात में, डिनर तो नहीं करेंगे, लेकिन ये जो जर्नी है ये भी एक एडवेंचर है, रात के समय में पहाड़ पे कोई भी नहीं है, सिर्फ हम 4 लोग एक गाड़ी के अंदर, और सुनसान रास्ता, मतलब परिंदा एक परिंदा भी नहीं है यहाँ पर, कहते हैं जिसे, कभी कभी इक्का दुक्का एक दो गाड़ी आ रही है जा रही है, वो भी 15-15 मिनट के अंतराल के आसपास। तो लेट्स सी, पहुँचते हैं ऋषिकेश, फिर मैं आपको दिखाऊंगा रूम, कौन सा रूम लिया है क्या है। तो ऋषिकेश से 60 किलोमीटर पहले एक रूम लिया है, और क्योंकि 9:30 भी बज गए थे रात के, तो जाना अच्छा नहीं था आगे, तो अतिथि नाम का ये रूम है, 800 रुपये में ये रूम लिया है, तो रूम मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए अच्छा रूम है, बिल्कुल हाईवे पे, ये मात्र 800 रुपये में। तो अभी खाना भी बन रहा है, चिकन विकन बन रहा है, तो अभी लेकर आएगा वो, तो ये देखिए रूम, वाह नाइस।
हेलो तो ये आज की आखिरी वीडियो, तो अब नेक्स्ट कल की यहाँ से जर्नी बनाएंगे, यहाँ से दिल्ली की सीधा, क्योंकि अब ट्रैवलिंग है वैसे तो ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ घूमने का ऐसा कुछ नहीं है, ऋषिकेश ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ, तो बस फाइनली बस इतना ही है अभी, तो अभी तक के ये गुड नाइट, शुभरात्रि, शब खैर, बाय बाय, टेक केयर। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं दिल्ली में, और रात में हम लोग रुके थे ऋषिकेश के पास, और रात में ही गाड़ी खींच दी, तो 10 बजे अभी मैं अक्षरधाम के पास हूं, और अब सीधा घर निकल रहा हूं। रात में वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि रोड बिल्कुल नैरो, एक तो नैरो था और बहुत ही उतार चढ़ाव था, पहाड़ी था पूरा एरिया, तो सो भी गया गाड़ी के अंदर। तो मैं पहुँच चुका हूँ अक्षरधाम, और ये मेरी आखिरी आज की वीडियो है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अच्छा लगेगा आपको, और भी मैं दिखाता रहूँगा ऐसे ही वेन्यू आपको। तो अभी तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।